स्टार प्लस के सीरियल नजर में अंश और पिया के बेटे की जान फिर एक बार खतरे में पड़ गई है, क्योंकि डायन के बाद अब उसके पीछे पड़ गई है एक चोरनी जिसका नाम है नैन्सी रीवावंशी, जो पाना चाहती है मुन्ने से जल परी वाला मोती। और इसके चलते नैन्सी ने न सिर्फ मुन्ना को किडनैप किया बल्कि उसे जान से मारने की कोशिश भी की। दरअसल डायन मोहना ने मुन्ना को बना दिया है एक मर्मेड और उसके पास है एक खास मोती जिसे ये मोहतरमा पाना चाहती है, और इस मोती को पाने से नैन्सी को मिल सकती है बेहिसाब दौलत। लेकिन इससे पहले कि मुन्ना पर कोई आंच आती, अंश और पिया पूरे परिवार संग वहां आ पहुंचते हैं और मुन्ना को बचा लेते हैं। यही नहीं, नैन्सी को गिरफ्तार भी करा देते हैं। आज वही सीक्वेंस शूट हो रहा है जहाँ पर हमारा मुन्ना जो है वो गायब हो गया है और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और एक पॉइंट आता है जब मुन्ना एकदम करीब आ जाता है और हमें मिल ही जाता है, पर स्विमिंग पूल में आग लग जाती है और जो मर्मेड थीव्स है वो उसे उससे मोती चुराना चाहते हैं। तो फिलहाल ये शूटिंग चल रही है यार। तो क्योंकि मोहना अभी मर्मेड बन के ही आई थी घर में एंड शी वॉन्टेड अ बॉडी ताकि वो अपनी जो फिश बॉडी है वो बॉडी किसी और को ट्रांसफ़र कर दे और खुद डायन बॉडी में वापस आ जाए। तो उसने हमारी बेबी को चुन लिया। उसने चुना था एक्चुअली अंश को पर गलती से हुआ ये कि जब वो मोती फेंका गया तो मुझ पर टकराने की जगह वो बेबी पर गिर गया और उस वजह से बेबी मर्मेड बन गया। पहले तो हमारे एसीपी साहब है, जो एसीपी साहब ने फुल पुलिस फोर्स लगा दी है इन्हें पकड़ने में, और एट द सेम टाइम हमारे दैविक भी है, दावंश भी है, सब अपने अपने थोड़े थोड़े पावर्स लगा रहे हैं ताकि मेरे पापा जो है प्रोफेसर निशांत, उन्होंने भी एक गाड़ी ट्रैक करने का द्रव्य खोज द्रव्य था जिसकी वजह से हम गाड़ी को ट्रैक कर पाए और हमें फाइनली बेबी मिल गया। नहीं एक्चुअली उन्होंने बेबी को रुलाने के लिए पूल में आग डाल दी थी ताकि बेबी रोए और उन्हें मोती मिले, बट बेबी वाज रिफ्यूसिंग टू क्राई इसलिए उन्होंने आग लगा दी एंड दे वर गोइंग टू थ्रो द बेबी इन द पूल, बट उस वक्त मैंने आके रोक लिया एंड इन्होंने मुझे आके बचा लिया बिकॉज आई वॉज गोइंग टू स्लिप, इसलिए हमें हमारा बेबी वापस मिल गया। आई थिंक दैट इज़ अवर जॉब, मतलब ये हमारा काम है कि अगर हम खुद कन्विंस नहीं होंगे तो हम ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। सो वेन एवर वी रीड वी मेक श्योर दैट वी बिलीव इन इट एंड वी डू इट विद फुल कन्विक्शन एंड इट्स द टीम एफर्ट। जो मतलब सिर्फ हम ही नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइटर्स टू द एक्टर्स टू द पोस्ट टीम, सब उतना बिलीव करते हैं इस इन चीज़ों में और इन इस प्रोजेक्ट में कि उस वजह से ही इतना कन्विक्शन के साथ हम उसे पोर्ट्रे कर पाते हैं। बहुत मज़ा आती है क्योंकि रोना धोना तो वैसे भी होता ही है, नॉट नेसेसरी कि सास बहू ड्रामा में ही होता है, वेर जहाँ पे ह्यूमंस होते हैं वहाँ पे ह्यूमन इमोशंस भी होते हैं, बट यू नो डूइंग समथिंग लाइक दिस इट्स चैलेंजिंग फॉर अस फॉर एवरीवन बिकॉज ये हमने वैसे देखा तो है नहीं, मर्मेड को जिंदा हमने मर्मेड नहीं देखी है, डायन नहीं देखी है, सो वी गेट अ लॉट टू एक्सपेरिमेंट एंड वी इट्स चैलेंजिंग बेसिकली, इट्स फन टू परफॉर्म, इट्स समवेयर वाइडन्स अवर इमेजिनेशन आल्सो टू यू नो टू नहीं आती है वो हाँ मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतने घिरे रहते हैं इन लोगों से तो अब वो हमारे सपने में भी आते रहते हैं।